मैं मनोज आर पांडे, मेरी ओर से दिल से प्रणाम, दिल से प्यार। बहुत मजा आ रहा है। फिल्म का नाम ही है मोहब्बत, चारों तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत है। और वैसे भी ये फिल्म चिंटू की है, जो कि मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है। तो हर बाप हर चाचा यही चाहता है, कहते हैं ना कि बाप चाहता है कि मेरा भाई मेरे से आगे मुझसे आगे जाए, और चाचा चाहता है मेरा भतीजा मुझसे बहुत आगे जाए। और बहुत खुशी हो रही है कि वो बहुत छोटा सा चिंटू आज बहुत बड़ा चिंटू बन चुका है। ऑडियंस तो चिंटू को शुरू से प्यार करती है। पहली फिल्म थी दीवाना, देवरा बड़ा सतावेला, हर फिल्म में उसने एक नया किरदार किया है। हमें भी गर्व होता है, कहीं ना कहीं चिंटू हम सबका एक अभिमान भी कह लो। हमेशा खुशी होती है, वो हर किरदार को बाखूबी निभाता है, दर्शक उसे प्यार करते हैं और बहुत खुशी होती है। इतना ही कहूँगा, वो पहली बार फिल्म नहीं कर रही है, कहते हैं जैसे अभिमन्यु पेट में सीख गया था, ऐसे ही वो माया यादव जी, जो कि बहुत मैच्योर्ड एक्ट्रेस हैं, एक तरफ से कह सकते हैं राखी हैं वो दूसरी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो वो उनकी बेटी है, उसके ब्लड में ही एक्टिंग है। और एक अलग सा शाम है, आप देख रहे हैं उसकी फिल्म, उसके सीन्स देखकर ये फील नहीं होता कि उसने पहली बार कैमरा फेस किया है। सो ब्लड में एक्टिंग है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत आगे जाएगी। और फिल्म उसकी 300 सेंटर से रिलीज़ हुई है, तो ये तो और भी बड़ी बात है, किसी बड़ी हीरोइन या हीरो की फिल्म इतने बड़े सेंटर से रिलीज़ नहीं होती। गौरव की बात नहीं कहूँगा, बिकॉज मेरे पीछे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं कह लूँ लोग मुझे, मैं श्री रामचंद्र जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो अगर मैं खुद को राम बना लूँ तो राम जी बड़े नहीं हो जाते हैं, रघुकुल जी बड़े थे। क्योंकि आज भी एक रीत चली आई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम जी की रीत नहीं चलती, रघुकुल जी की रीत चलती है। मेरे पीछे बहुत बड़ा नाम है राजकुमार आर पांडे जी का, तो वो अपने आप में एक बड़ा नाम है। उसको हम या फिलहाल तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ओवरटेक नहीं कर पाया, बिकॉज हर बार वो रन थ्रू हिट पे हिट दे रहे हैं। तो एक अच्छा है, माया जी अपनी बेटी को लॉन्च कर रही हैं, ढेर सारी विषय से वो खुद सीनियर हैं, और उन्होंने चारों तरफ से पूरा कवच बनाया कि अगर चिंटू बहुत अच्छा एक्टर है, दोनों का एज ग्रुप सेम है, तो अगर पेयर परफेक्ट होगा तो फिल्म ज़रूर हिट होगी। तो एक अच्छे टेक्नीशियंस रखकर, जैसे कैमरामैन प्रमोद पांडे जी हैं, डायरेक्टर प्रिमांशु जी हैं, तो सारे लोगों को चुन के उन्होंने ये फिल्म बनाई है। एक्चुअली ओपन नहीं करना चाहते थे, पर कहते हैं ना कि पुत्र मुँह बहुत बड़ा होता है, तो बच्चे का मुँह बहुत बड़ा होता है, आज इत्तफाक से आना पड़ा। ये इश्क दीवाना का लुक है, मैं फिलहाल कैदी के गेटअप पे हूँ वहाँ पर, तो जो अभी तक ख़त्म नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है रोल। वो फिल्म तीन लैंग्वेज में है, मराठी, तेलुगू और भोजपुरी में, तो ये उसी फिल्म का है। और बहुत बड़ी फिल्म है, जिसमें तकरीबन 500 फाइटर्स हैं। और मेरी एक दूसरी फिल्म भी आ रही है सम्राट, तो ऐसे ही कुछ उसमें भी है। एक फिल्म आ रही है अम्मा, माँ को हम लोग बड़े प्यार से कहते हैं अम्मा, तो एक ये बड़ी अलग फिल्म है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। प्लैनेट भोजपुरी।